हेलो फ्रेंड्स, मैं उदय चंद्रा ये स्कूल के प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत करता हूँ। अभी तक हम लोग विलियन विलियन पढ़ रहे थे और मैंने कहा था कि देखिए, जो भी चैप्टर हम पढ़ते हैं, जो भी चीजें पढ़ते हैं, मोस्टली क्या होता है कि हम उनको डेली लाइफ में देखते हैं। विलियन की जहां तक बात हो रही थी तो मैंने बहुत सारे आपको व्यूज बताए थे कि नहीं, हम कैसे फाइंड आउट करते हैं कि किसका सलूशन है कि नहीं है। ऐसा नहीं है कि मैंने कहा था कि केवल ठोस और द्रव के बीच में ही सलूशन बन सकता है, सलूशन की बहुत सारी कंडीशन होती है। तो जो प्रीवियस लेक्चर थे हम लोगों के, उन लेक्चरों में हम लोगों ने मोस्टली जो जो भी चीजें पढ़ी थी उनके आगे आज हम लोग पढ़ते हैं। आज नई चीज आपको पढ़ाते हैं और हो सकता है आपने पढ़ी सब लोगों ने है, बट होता क्या है कि हम लोग अलग तरीके से उनको देखते हैं। जैसे मैंने लिखा है यहाँ पे क्वथनांक। अब क्वथनांक को हम लोग क्या बोलते हैं, बॉइलिंग पॉइंट बोला जाता है इंग्लिश में। इसको क्या बोलते हैं, बॉइलिंग पॉइंट। और शॉर्ट फॉर्म जब लिखा जाता है तो क्या होता है, बीपी होता है। क्या होता है बेटा, बीपी होता है, बॉइलिंग पॉइंट होता है। आपके मन में आ रहा होगा कि भाई ये बॉइलिंग पॉइंट क्या है। एक तो मैं आपको पहले तो इसमें क्लियर कर दूं कि देखिए, कोई भी, चाहे कोई भी मटेरियल हो, कोई भी पदार्थ हो, एक उसकी अवस्था होती है। अगर आप चेक करेंगे, जैसे मैं आपसे पूछूं कि भाई पानी की जनरल कंडीशन क्या होती है, तो आप बताएंगे सर पानी किस कंडीशन में होता है, लिक्विड कंडीशन में होता है। लेकिन अगर हम कह दें कि भाई कोई लोहा है तो उसकी नॉर्मल कंडीशन क्या होती है, सॉलिड। तो हर कंपाउंड में दो दो चीजें आपकी पाई जाती हैं और ये फिजिकल प्रॉपर्टी के अंतर्गत आता है। कि किसके अंतर्गत आता, फिजिकल प्रॉपर्टीज। देखिए मैं डायरेक्टली आपको इस पर नहीं तो क्वथनांक के प्रवास तो बहुत सरल है, बट जैसे मैंने कहा कि मान लिया आपके पास पानी है और पानी की जो रियल कंडीशन होती है वो क्या होती है, लिक्विड होती है। लिक्विड को अगर हम गर्म करते हैं एट 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, इस टेम्परेचर पे करते हैं तो ये आपका क्या बन जाता, वेपर्स बन जाते हैं, यानी एक तरह से भाप का निर्माण हो जाता है। लेकिन इसी पानी को अगर हम 0 डिग्री सेल्सियस पे क्या कर दे, ठंडा कर दे, टेम्परेचर डाउन कर दे, ठीक है, तो ये पानी काहे में बदल जाता है, आपका बर्फ में। अब अगर आपसे हम पूछे कि इनकी कंडीशन बताओ, तो ये आपका सॉलिड होता है, ये लिक्विड होता है, और ये आपका किस कंडीशन में आएगा, गैस कंडीशन में। देखिए आपको मैं कंडीशन के बेस पे बताता हूं कि कितनी, देखिए जैसे कोई चीज ठोस है, अगर ठोस है तो उसके अंदर दो भौतिक गुण होंगे। भाई ठोस है, आप जानते हैं, अगर मैं कह दूं कि पानी गला जा रहा है तो आप कहेंगे सर ये अजीब मजाक कर रहे हैं, पानी कहां से गलेगा। लेकिन अगर हम कहते हैं भैया बर्फ गली जा रही है तो आप मान लेंगे। क्यों मान लेंगे, क्योंकि आपको पता है कि जो बर्फ होती है वो सॉलिड कंडीशन में होती है और पिघलने के बाद वो किस कंडीशन में आ जाती है, लिक्विड कंडीशन में आ जाती है। तो जब हम यहाँ पे ठोस कोई होगा तो ठोस में दो चीजें होंगी बेटा, एक तो गलेगा, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, गलनांक। गलनांक को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट आपका एक तो होगा जाके, और गलने के बाद फिर भी आप गर्म करते रहे तो फिर वो क्या हो जाएगा, उबल जाएगा, यानी इसका मतलब क्या हो जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट। यानी कुल मिला के अगर देखा जाए तो यहाँ पे दो प्रॉपर्टियां आपको सॉलिड कंडीशन में मिलेंगी, एक तो उसका गलनांक होगा और दूसरा आपका क्या होगा, उसका क्वथनांक यानी बॉइलिंग पॉइंट होगा। मान लिया कोई कंपाउंड आपका द्रव अवस्था में, अब द्रव अवस्था में दो चीजें होंगी, द्रव को ठंडा करेंगे तो ठोस में बदलेगा, और जब ठोस में बदलेगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, हिमांक बोलेंगे, यानी फ्रीजिंग पॉइंट। क्या बोलते हैं इसको बेटा, फ्रीजिंग पॉइंट कहते हैं। और अगर मान लिया कोई द्रव है और इसको गर्म करते हैं तो फिर ये द्रव जो होगा वो किस कंडीशन में हो जाएगा, गैसियस कंडीशन में, और तब इसको शॉर्ट फॉर्म में हम क्या कहेंगे, बीपी कहेंगे। ऐसे ही अगर कोई गैस है, गैस को बेटा जब हम ठंडा करते हैं तो सबसे पहले वो लिक्विड कंडीशन में बदलती है, लिक्विड में बदलेगी तो उसको द्रव में बदल ले, इसलिए इसको द्रवणांक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, द्रवणांक, यानी लिक्विफाइड टेम्परेचर होता है, लिक्विफाइड टेम्परेचर जो होता है। और अगर मान लिया
और इसको हम ठंडा कर दें, सपोज दैट और ठंडा कर दें, यहाँ पे ठंडा कर रहे हैं फिर और ठंडा कर रहे हैं, तो द्रव से ये किस अवस्था में आ जाएगी, ठोस अवस्था में, और तब ये आपका क्या हो जाएगा, हिमांक हो जाएगा। तो जनरली हमें तीन अवस्थाएं ही मिलती हैं किसी भी पदार्थ की, आपकी टोटल तीन अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव और गैस। चौथी अवस्था भी आपकी सेमी सॉलिड होती है, प्लाज्मा कंडीशन बोला जाता है, लेकिन अभी हम लोग उसको ज्यादा मान्यता नहीं देते हैं, हालांकि है। और एक और आपकी कंडीशन आ गई, लेकिन कभी कभी आपने पढ़ा होगा एक घटना होती है ऊर्ध्वपातन, जिसको हम लोग बोलते हैं सब्लिमेशन। सब्लिमेशन का को अगर हम जैसे आप लोग पूजा करते हैं तो पूजा करने में आप कपूर का यूज करते हैं, और अगर आपसे पूछे कि बेटा कपूर किस कंडीशन में होता, तो आप बताएंगे ठोस में होता है। रूल हमारा क्या कहता है कि जब हम किसी ठोस को गर्म करेंगे तो पहले लिक्विड में बदलेगा, और लिक्विड फिर किस में कन्वर्ट हो जाए, गैस में। लेकिन हम लोग आरती करते तो आपने देखा होगा पंडित जी कपूर पे क्या लगा देते हैं, माचिस लगा देते हैं, और माचिस लगाने के बाद वो कपूर क्या होने लगता है, जलने लग जाता है, लेकिन वहां पे लिक्विड आपको नहीं दिखता है। दे कैन कन्वर्ट इनटू गैसेस कंडीशन, यानी ऐसे सब्सटेंस जो कि आपके अगर सॉलिड कंडीशन में है और इसको हम गर्म कर रहे हैं तो फिर वो लिक्विड में ना कन्वर्ट होके सीधे गैसेस कंडीशन में कन्वर्ट हो जाता है, तो वहां पे आपका जो है घटना जो होती है उसको सब्लिमेशन कहते हैं, ऊर्ध्वपातन कहते हैं। ऐसे ही आपका इसका एक एग्जांपल होता है नौसागर, जिसको हम अमोनियम क्लोराइड कहते हैं। अमोनियम क्लोराइड भी इसका एक बहुत बढ़िया एग्जांपल होता है, ठीक है। तो अगर कहीं पे आता है कोई कंपाउंड आता है तो हमको ये पता लग जाएगा कि इसकी कौन कौन सी अवस्थाएं ऐसी हैं जो कि इसमें ये। अच्छा एक चीज मैं आपको और बता दूं, आखिर हम किसी कंपाउंड का मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, लिक्विफाइड पॉइंट, ये सब क्यों जानना चाहते हैं। देखिए ये एक शुद्धता की कसौटी है। अगर मान लिया पानी का 100 डिग्री सेल्सियस है बॉइलिंग पॉइंट और वो 99 पे उबला जा रहा है, या वो 101 पे पहुंच गया, तो दोनों कंडीशन में उनमें इंप्योरिटीज होगी, क्योंकि अगर प्योर वाटर है तो वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे ही क्या करेगा, गैसेस कंडीशन में कन्वर्ट होगा। इसीलिए इन सब सारी चीजें शार्प होती हैं, और शुद्धता की कसौटी आपने फर्स्ट ईयर में अगर थोड़ा बहुत पढ़ा होगा तो उसमें ये चीजें आपने देखी होंगी। चलिए अब हम लोग मुद्दे पे आते हैं जिनकी हमें चर्चा करनी है। अगर हम देसी भाषा में आपसे कोई कहे कि पहला क्वथनांक क्या होता है, ऐसे तो नहीं जान पाओगे, लेकिन अगर कोई कह दे बॉइलिंग पॉइंट, बॉइल का मतलब क्या होता है, उबलना। मान लिया कोई लिक्विड है और वो लिक्विड आपका किस कंडीशन में कन्वर्ट हुआ जा रहा, सीधा आपका गैस लिक्विड जो है वो आपका गैसेस कंडीशन में कन्वर्ट हो रहा है, तो जो टेम्परेचर होता है, जो टेम्परेचर होता है, और याद होगा, नहीं याद है तो समझ लीजिए, कुछ चीजें मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, कुछ कंपाउंड्स हैं। सपोज दैट आपका वाटर है और इसका बीपी जो होता है वो 100 डिग्री सेल्सियस होता है, मिथाइल अल्कोहल है, मेथेनॉल जो होता है इसका 65 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, ऐसे ही आपका जो आपका एथिल अल्कोहल होता है बेटा इसका होता 78 डिग्री सेल्सियस, और एक दो कंपाउंड और मैं आपको बता दूं, ये फॉर्मेल्डिहाइड है, CHO जो है ये फॉर्मेल्डिहाइड है, क्योंकि इसमें एल्डिहाइड ग्रुप होता है, और इसका बीपी आपका होता -21 डिग्री सेल्सियस, और इसी का जो बड़ा भाई है यानी एसिटाल्डिहाइड उसका आपका होता है 21 डिग्री सेल्सियस। तो ये इनकी बॉइलिंग पॉइंट है, सबके अलग अलग होते हैं, किसी का एक निश्चित नहीं होता है, इसीलिए जब डेफिनेशन बनाई जाती है तो ये कहा जाता है कि वह निश्चित ताप जिस पर कोई द्रव किस अवस्था में बदल जाता है, गैसीय अवस्था में बदल जाता है, उसे हम उसका क्या कहते हैं, क्वथनांक कहते हैं, यानी बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। अब चलिए हम लोग थोड़ा सा चर्चा और कर लेते हैं, एक्चुअल में है क्या हम बॉइलिंग पॉइंट, तो ये जो पुरानी परिभाषा है ये देसी परिभाषा है, अब हम लोग थोड़ा सा बड़े हो गए हैं तो बड़े होने पर जो इसकी साइंटिफिक डिफिनेशन है वो क्या है। आपको याद होगा मैंने प्रीवियस लेक्चर में कहीं ये बात कही होगी कि जैसे मान लिया ये कोई कंटेनर है और कंटेनर में मैंने क्या भर दिया, यहाँ पे पानी भर दिया,
पानी भरने के बाद हमने क्या किया, यहाँ पे इसको नीचे से हीट कर रहे हैं और हीट कर रहे हैं, और हम लोग के ऊपर जो दाब है, ये जो खाली पार्ट है यहाँ पे 760 मिलीमीटर दाब लग रहा है, और ये क्या है, द्रव है, ये क्या है, द्रव है। अब देखिए होगा क्या, जब इसको हम हीट करेंगे तो हीट करेंगे तो जो कण होंगे, ये जो आपके अणु होंगे आपके वाटर के, ये क्या करेंगे, हीट एब्जॉर्ब करेंगे, एब्जॉर्ब करेंगे तो ये बेटा ऊपर की तरफ मूवमेंट करेंगे, कुछ समय के बाद ये यूनिफॉर्म हीट हो जाएगा, यूनिफॉर्म हीट हो जाएगा, और यूनिफॉर्म जब हीट हो जाएगा तो इसका मतलब फिर भी आप टेम्परेचर दे रहे हैं, तो जब टेम्परेचर देंगे तो अवस्था परिवर्तन होगा, और अवस्था परिवर्तन का मतलब ये जो द्रव है ये किस अवस्था में बदल जाएगा, गैसीय अवस्था में, और ये तभी बदल सकता है बेटा जब किसी द्रव को वाष्प बदलेंगे तो उसका दाब होगा, तो द्रव का वाष्प दाब और जो प्रेजेंट टाइम में आप जहां पे हैं उसके अकॉर्डिंग होता है, जैसे नीचे से ऊपर जाते हैं तो वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है, और वायुमंडलीय दाब और क्वथनांक दोनों समानुपाती होते हैं, जैसे जैसे वायुमंडलीय दाब कम होता है वैसे वैसे बॉइलिंग पॉइंट आपका क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, बढ़ जाएगा, सॉरी बॉइलिंग पॉइंट आपका डिक्रीज होगा, यानी अगर क्वथनांक बढ़ रहा हो वो आपका कहने का मतलब है कि अगर आपका वायुमंडलीय दाब जो है वो आपका बढ़ रहा है तो क्वथनांक बढ़ेगा, और वायुमंडलीय दाब अगर कम होगा तो क्वथनांक आपका कम हो जाएगा। इसलिए हमने एक बार क्वेश्चन भी आपसे पूछा था कि पहाड़ों पे दाब देर से पड़ती, उसका रीजन यही होता है, है। हमने कहा द्रव का वाष्प दाब, और ये क्या मैंने लिख दिया आगे, वायुमंडलीय दाब के बराबर, यानी बीच में आप चिन्ह आप देख ही रहे हैं, यहाँ पे यही से हम रिलेशन निकाल सकते हैं। अगर कोई पूछ ले कि क्वथनांक की जो साइंटिफिक आपके डिफिनेशन है वो क्या है, तो आप क्या कहेंगे, वह निश्चित दाब जिस पर किसी द्रव का वाष्प दाब उसके वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है, उसे हम उसका क्या कहते हैं, क्वथनांक कहते हैं, बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं, और इसीलिए कहा जाता शार्प है क्योंकि सबके अलग अलग बॉइलिंग पॉइंट आपके होते हैं। क्लियर हो गई बात, देखिए तो मेरे हिसाब से ये बात आपको समझ में आ गई होगी इतनी। देखिए नेक्स्ट टर्म है बेटा क्वथनांक उन्नयन, क्वथनांक उन्नयन, इसको इंग्लिश में बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन। ये बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन क्या होता है, ये भी थोड़ा सा हमारे मन में आ रहा था कि उन्नयन शब्द का मतलब होता है किसी चीज का बढ़ना, और बढ़ने का मतलब क्या है कि जैसे मान लिया आपने देखा कि ये कोई कंटेनर है और इस कंटेनर में हमने क्या कर दिया, पानी डाल दिया, और अब हम यहाँ पे क्या ले रहे हैं, अवाष्पशील पदार्थ, क्या ले रहे हैं, अवाष्पशील पदार्थ, यानी जिसको हम लोग नॉन वोलेटाइल्स बोलते हैं। नॉन वोलेटाइल्स वो होते हैं जिसको अगर हम किसी भी सॉल्वेंट में डिजॉल्व करें तो डिजॉल्व होने के बाद वो उससे अभिक्रिया भी ना करे, इकट्ठा भी ना हो और अपनी प्रॉपर्टी को खोए नहीं। जैसे नमक जो होता है वो नमकीन होता है, और जब उसको हम पानी में घोल देते हैं तो पानी हमको क्या लगने लगता है, नमकीन लगने लगता है, अर्थात तो नमक ने अपनी जो आइडेंटिटी थी उसको खोया नहीं है। अगर दूध से दही बन जाता है तो वहां पे आप समझते हैं टेस्ट में डिफरेंस आ जाता है। तो यहाँ पे तो हम आपको बता रहे हैं कि जो नॉन वोलेटाइल्स होते हैं, नॉन वोलेटाइल्स क्या होते हैं, जिनको गर्म करने पे वो गैसियस कंडीशन में ना जाए, यानी अगर यहाँ से भाप बन के जा रही है तो उसके साथ नमक उड़ के ना जाए। अगर नमक उड़ गया तो समझ लो क्या हो जाएगा, हटा दीजिए तो क्या हो जाएगा, वाष्पशील हो जाएगा। लेकिन हमें यहाँ पे क्या लेना है, अवाष्पशील पदार्थ आपको लेने। अब देखिए आपने क्या किया कि मान लिया इसमें आपने एक मोल NaCl डाल दिया, आपने क्या कर दिया, एक मोल NaCl डाला। हमें पानी का बीपी जो है, यानी जो वाटर है उसका बीपी हमें पता है, बीपी कितना होता है, 100 डिग्री सेल्सियस होता है, और इसी बीपी को हम क्या मान लें, एक तरह से T1 मान लें। अचानक हमने क्या किया, इसमें एक मोल NaCl डाल दिया। देखो एक निश्चित अमाउंट दिया जाता है, ये नहीं कि पता लगा एक ड्रम में एक मोल आप NaCl डालें तो उसमें बहुत ज्यादा डिफरेंस आएगा, तो वो थोड़ा सा कैलकुलेट करना दिक्कत होती, इसलिए छोटा अमाउंट दिया जाता है।
ml 5 ml या एक लीटर की बात भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे ही आपने एक मोल NaCl डाला, वैसे ही यहाँ पे जो टेम्परेचर हमको मिला वो 100.1 डिग्री सेल्सियस मिला। मैंने कहा भैया अब अंतर क्या आ गया, तो डेल्टा टी हमको निकालना पड़ेगा, तो ये T2 माइनस क्या हो जाएगा, T1 हो जाएगा। 100.1 माइनस 100 यानी 0.1 डिग्री सेल्सियस, यानी अगर हम पूछे कि क्वथनांक में वृद्धि कितने की हुई है, ठीक है, उन्नयन का मतलब क्या होता है वृद्धि, और वृद्धि कितने की हुई है 0.1 डिग्री सेल्सियस की। क्यों हुई है, क्योंकि आपने एक अवाष्पशील पदार्थ डाला हुआ है और विलायक में डाला है, ठीक है। तो इसी को हम लोग बोलते हैं क्वथनांक उन्नयन, बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन बोला जाता है। अब अगर हम डिप्रेशन पे इसको अगर हम डिप्रेशन में इसको चेंज करना चाहें तो हम क्या कह सकते हैं, ध्यान से सुनिएगा, किसी विलायक में, ये विलायक है, मैंने अमाउंट उसका निश्चित नहीं किया, क्योंकि अगर हम निश्चित कर देंगे तो थोड़ी सी दिक्कत होती, तो 1 किलोग्राम विलायक में हम ले सकते हैं, ठीक है, लेकिन हम 1 किलोग्राम नहीं ले रहे हैं। किसी विलायक में किसी अवाष्पशील पदार्थ के 1 मोल मिलाने पर उसके क्वथनांक में जो वृद्धि होती है उसे हम उसका क्या कहते हैं, क्वथनांक उन्नयन कहते हैं, अर्थात बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन। ये आपके यहाँ पेपर में आएगी, इसलिए जब भी आप ये वीडियो आप देखते हैं या लाइव में अगर आप देख रहे हैं, तो फिर आपको क्या करना है कि थोड़े से नोट्स बनाते रहेंगे, तो जब हम न्यूमेरिकल कराएंगे तो वहां पे दिक्कत आपके नहीं होगी, क्योंकि 3 ही चैप्टर ऐसे हैं जिनमें आपका न्यूमेरिकल, और बाकी तो आप जानते ही हैं, सब लोग बोलते हैं, हम भी बोल रहे हैं, चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, मित्रों से डाउनलोड कराइए, ये सारी चीजें तो आपकी चलती ही रहती है और होनी भी चाहिए, अगर कंटेंट अच्छा है तो फिर आप इनको कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा देखिए बेटा, इसके बाद आज हम लोग पढ़ेंगे क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक, यानी अगर हम क्वथनांक उन्नयन, देखिए स्थिरांक के लिए कांस्टेंट हमें के लगाना पड़ेगा, क्वथनांक उन्नयन की बात कर रहे हैं तो बॉइलिंग पॉइंट के लिए बात कर रहे हैं, तो यानी केवी की बात हो रही है, और यहाँ पे हमने एक शब्द यहाँ पे आके जोड़ दिया मोलर, क्या जोड़ दिया मोलर, क्योंकि क्वथनांक उन्नयन को भी 2 पार्टों में बांटते हैं, एक आपका होता है बेटा मोलर और एक होता है आपका ग्रामर, दोनों के अलग अलग वैल्यू नहीं होती है, थोड़ा सा डिफरेंस होता है। मोलर में जब हम वैल्यू रखते हैं तो वहां पे 1000 रखेंगे, और ग्राम अणु में आप कितना रखेंगे, 100 ग्राम, कितने ग्राम रखेंगे, 100 ग्राम रखेंगे। आपको डिफ्रेशन किसकी बनानी, केवी की बनानी, तो पहले हमें इसका फॉर्मूला आना चाहिए, अगर फॉर्मूला आपको आ गया तो हम फॉर्मूले से ही परिभाषा बना सकते हैं, जैसा कि हम लोग फिजिक्स में बनाते हैं वैसे केमिस्ट्री में भी हम लोग फॉर्मूले से ही डिफ्रेशन बना सकते हैं। देखिए कैसे बनाते हैं, इसका बेटा फॉर्मूला होता है, मोलर के लिए मैं बात कर रहा हूँ, तो एम बराबर होता है 1000 × KB, का मतलब क्या होता है, कॉन्स्टेंट फॉर बॉइलिंग पॉइंट, इंटू छोटा डब्ल्यू अपॉन डेल्टा TB, डेल्टा का मतलब डिफरेंस, टी का मतलब टेम्परेचर, बी का मतलब बॉइलिंग पॉइंट, और इंटू क्या होता है बड़ा डब्ल्यू। अब इनका इनको हम क्या क्या कहते हैं बेटा, ये पदार्थ का अणुभार होता है, मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट, ये जो घोला जाता है उसका क्या होता है, पदार्थ का अणुभार होता है, ये विलायक का भार होता है, विलायक का भार, वेट ऑफ क्या हो जाएगा, सॉल्वेंट हो जाएगा, ये विलेय का भार हो जाएगा, विलेय का भार, वेट ऑफ सॉल्यूट हो जाएगा, इसको आप जानते हैं क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक हो जाएगा, क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक हो जाएगा, और ये डेल्टा टी भी आप समझते ही हैं, ये तापांतर आपका है तापांतर। तो ये सारी चीजें आपके सामने आ गई। अब जब भी कभी फिजिक्स में जैसे आप डिफिनेशन बनाते हैं तो वैसे ही हम इसमें भी आपको सिखा रहे हैं कि डिफिनेशन आप कैसे बना सकते हैं। देखिए हमें क्या निकालना, मोलर क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक, किसकी डिफिनेशन आपको निकालनी है, ठीक है। अब देखिए हमें क्या करना है, जरा देख लेते हैं, ये भी हमने ऐसे रख दिया,
आपको पता है ये दोनों ऊपर चले जाएंगे, तो ये हो जाएगा आपका m इंटू डेल्टा tb और इंटू क्या हो जाएगा कैपिटल w अपान क्या हो जाएगा बेटा इसमें बचा क्या तुम्हारे पास 1000 इंटू छोटा w। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई, कुछ नया नहीं है, चेंज किया गया। अच्छा, जो चीजें कांस्टेंट हैं उसको हम कांस्टेंट मान लेते हैं। देखिए ये विलेय है और विलेय को हम लोग एक नॉर्मल यूनिट मानते हैं, कितने मोल, एक मोल मान लेते हैं। 1000 को हम लोग क्या मान सकते हैं, 1 किलोग्राम, और वो भी क्या है, विलायक है। ठीक है, इसका कोई मीन नहीं है क्योंकि हर जगह पे चेंज होता रहता है, इसको हटा दो और पदार्थ का अणुभार भी आपका चेंज। तो अब आपके पास जो लॉजिक आ रहा है वो kb बराबर डेल्टा tb अपान 1000 और इनटू क्या हो जाएगा w। अब मैं इसी बेस पे आपको डिफ्यूजन बता रहा हूँ कैसे बनती। देखिए, जो चीजें बटे में होती उनको हम एकांक मान लेते हैं। अब यहाँ पे विलायक आपका कितना है, 1 किलोग्राम विलायक। 1 किलोग्राम विलायक में किसी अवाष्पशील पदार्थ, ये तो है कौन बेटा, वोलेटाइल ही होगा, अवाष्पशील पदार्थ के 1 मोल मिलाने पर उसके क्वथनांक में जो वृद्धि होती, मान लिया उसका जो बॉइलिंग पॉइंट क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, उसके स्थिरांक को ही हम लोग क्या कहेंगे, मोलर क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक। यानी डिफ्यूजन यहाँ पे आ गई, 1 किलोग्राम विलायक में किसी अवाष्पशील पदार्थ के 1 मोल मिलाने पर उसके क्वथनांक में जो वृद्धि होती है के स्थिरांक को ही हम लोग क्या कहते हैं, मोलर क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक कहते हैं। इसी प्रकार अगर वो आपसे कहते ग्राम अणु की बात कर ले, तो जब ग्राम अणु की बात करेगा, ये भी मैं डायरेक्टली आपको समझा दे रहा हूं, मान लिया यहां पे आपसे कहते ग्राम अणु, तो मैंने देखो ऊपर लिखा हुआ कि जब ग्राम अणु होगा तो जहां पे 1000 है वहां पे आपको 100 लिखना है। तो यहां पे जब डिफिनेशन आप बनाएंगे तो kb बराबर हो जाएगा m into delta tb into w बड़ा w into 100 और फिर क्या हो जाएगा छोटा w। बस यहीं से परिभाषा बना लो, जैसे यहाँ पे 1 किलोग्राम विलायक ले रहे थे वैसे यहाँ क्या करेंगे, 100 ग्राम विलायक में किसी अवाष्पशील पदार्थ के 1 मोल मिलाने पर उसके क्वथनांक में जो वृद्धि होती है उसे हम ग्राम अणु क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक कहते हैं। और बेटा इस सवाल से बहुत सारे आपके पेपर में न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं। अभी आगे एक दिन मैं केवल न्यूमेरिकल की क्लास दूंगा, उस दिन ये सारे न्यूमेरिकल आपके सामने आएंगे।